चक्करपुर से पुलिस का फ़ोन आया था हमारे पास। मैं ऑफिस में ही बैठी थी तो पुलिस ने बताया कि मैम एक यहाँ से चक्करपुर से कोई रेजिडेंट आए हैं और वो किसी अपार्टमेंट में रहते हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ जो है वो 3 साल से अंदर बंद है, मेरा बच्चा भी अंदर ही बंद है और वो बाहर भी नहीं आने देती और ना मुझे अंदर जाने देती है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमने पुलिस को यही डायरेक्शन दी कि सबसे पहले तो उनकी कंप्लेंट आप दर्ज करो और उसके उस पर फिर एक टीम बनाइए और चाइल्ड लाइन वालों से कांटेक्ट करिए। 1098 पे पहले हमने उनकी कंप्लेंट दर्ज कराई, फिर चाइल्ड लाइन वहाँ पहुँची पुलिस और उन्होंने एक टीम बना के फिर CWC में एज अ मेंबर मैं भी वहाँ पर मौजूद थी, फिर उसको रेस्क्यू किया बच्चे को, और पहले लेडी को रेस्क्यू किया फिर बच्चे को रेस्क्यू किया। और डॉक्टर भी वहाँ मौजूद थे सिविल हॉस्पिटल से, और तो कंडीशन बच्चे की तो कंडीशन ठीक थी। बाकी लेडी मेरे से पहले मैं पहुँची जब तक लेडी को रेस्क्यू कर चुके थे वो, तो लेडी को सिविल हॉस्पिटल में ले गए थे और बच्चा मेरे सामने रेस्क्यू किया था। एक रात पहले भी गए थे आप रेस्क्यू कराने के लिए उस समय? नहीं, मैं नहीं गई थी, वो वहाँ पर चाइल्ड लाइन वाले और पुलिस गई थी। अच्छा, उस टाइम तो फिलहाल क्या ऐसा लॉजिक था कि वो अपने बच्चे को बाहर नहीं आना जाने? अभी ये तो मामला अभी तो पुलिस के पास ही है और अभी तो उनकी सिर्फ मेडिकल वगैरह ही हुआ है। अभी हो सकता है कि कोई मानसिक बीमारी से कोई ग्रस्त हो वो लेडी। उनको क्या डर रहता था वो बच्चे के साथ अंदर बंद रहे? हाँ, यही इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है एक्चुअली, कि उसका क्या मतलब। अभी तो उसका जब तक ट्रीटमेंट नहीं हो जाएगा, जब तक डॉक्टर्स हमें पूरी रिपोर्ट नहीं दे देते, क्योंकि मानसिक कोरोना के डर की वजह से वो स्टार्टिंग में तो यही था कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, जो फर्स्ट कोरोना आया था, तो उसमें उन्होंने मतलब उनको ये लगा कि कोरोना, क्योंकि बहुत लोग उसमें, ऐसा नहीं है कि ये खाली एक यही लेडी हैं, वो पहले भी बहुत सारे हमारे सामने ऐसे केसेस आए हैं कि इस तरीके से लोगों को मनोरोग हो गया एक तरह से, कि नहीं हमें कोरोना हो जाएगा और पैनिक हो गए थे लोग। तो उसकी वजह से उसने मतलब ये सोचा, अपने आप को अंदर बंद कर लिया, और हस्बैंड बाहर गया हुआ था तो हस्बैंड को भी अंदर नहीं आने दिया। उसको भी यही बोला कि आप किसी बाहर वाले अपार्टमेंट में कहीं भी लेके रहो, अभी आप अंदर नहीं आ सकते क्योंकि आप बाहर जाते हो, आपको जॉब करनी होती है, आप अंदर आओगे तो हमें कोरोना हो जाएगा। रीज़न वाज दैट, तो कोरोना से उनकी डेथ ना हो जाए। हाँ, बस कोरोना के डर से उसने अंदर नहीं आने दिया। उसके बाद जो भी वो ग्रॉसरी भी मंगवा रही हैं, कुछ भी मंगवा रही हैं, तो उन्होंने यही बताया कि मैं हस्बैंड को जो बताती थी फ़ोन पे कि मैं सब कुछ ऑनलाइन मंगवाऊंगी, मैं कोई अंदर मेरे घर के अंदर नहीं आएगा। हस्बैंड से बात होती थी? हस्बैंड से बात करती थी, हस्बैंड उनको शायद पेटीएम भी करते थे, पैसे भी देते थे, हस्बैंड सामान पहुंचाते थे उनको खाने पीने का, तो वो सब होता था, लेकिन बस अंदर किसी को नहीं आने दिया उसने। जब एक छोटे बच्चे को उन्होंने अंदर बंद किया था, क्या उम्र थी, और अब जब बाहर निकला है तो क्या उम्र थी? सर अभी उनकी उम्र है, अभी तो 11 साल का है बच्चा, तो 3 साल पहले बच्चा ऑब्वियसली छोटा ही रहा होगा। यानी 3 साल से बच्चे ने बाहर, 3 साल से बच्चे ने नहीं देखा। ऑब्वियसली बच्चा डरा हुआ था, सहम गया था, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, तो वो तो उसको बड़ा कंफर्टेबल किया बच्चे को, और बड़ा उसके फादर को बोला कि आप उसके पास ही बैठे रहिए, आप मत उठिए वहाँ से।
तो उसके बाद जब हमारी बात हो रही थी मेरी नेबर वगैरह से कि भाई नेबरहुड में एटलीस्ट किसी ने तो कुछ देखा होगा कि 3 साल से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या है, तो कोई तो आपका एक रेजिडेंट होने के नाते या एक हमारी कुछ जिम्मेदारी भी होती है। तो वो सब उनमें से एक दो लेडी थी जो आगे आके जिन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि इस लेडी को हमने नहीं देखा, हमने 20-25 दिन पहले इस लेडी को बाहर देखा है। हाँ, एक लेडी ने मुझे ये भी बात बताई, ये भी मैंने पुलिस को बोला है कि ये भी हमें एक बार आप इन्वेस्टिगेट करके बताइए कि ऐसा क्या ये सही बता रहे हैं। उसने यही बताया कि ये बाहर घूम रही थी और ये पहले काफ़ी हेल्दी हुआ करती थी, फिर हमने देखा तो ये बिल्कुल पतली सी हो गई है और हम यही सोच आपस में बात कर रहे थे कि भाई बहुत कमज़ोर हो गई हैं ये। यानी उन्हें डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कोरोना से उनके परिवार को कोई कोरोना से उनके पर अभी तक तो सर यही है, अभी तक तो यही वो बोल रहे हैं कि कोरोना की वजह से उसके हस्बैंड ने ये बताया, लेकिन अभी मैं कुछ इस बारे में नहीं आपको बता पाऊँगी क्योंकि अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके बाद जो रिपोर्ट हमारे पास आएंगी, हमारे पास सिविल हॉस्पिटल से भी डॉक्टर्स की रिपोर्ट आएगी कि हो सकता है वो उसको कोई साइकोलॉजी कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कुछ दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ आ गई हो कि उसने अपने आप को और बच्चे को बंद कर लिया, वो भी इतने लंबे समय से। साइकाइट्रिस्ट भी वहाँ पर है, सब चेकअप हो रहे हैं सर, उनके सारे चेकअप कराएंगे उनके। फिलहाल मदर को तो मैंने नहीं देखा है अभी क्योंकि मेरे जाने से पहले वो रेस्क्यू होके हॉस्पिटल जा चुकी थी। बच्चा मेरे सामने रेस्क्यू हुआ था, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, बच्चे से हमने नाम भी पूछा उसका, उसकी एज पूछी तो उसने बताया कि मैं 11 इयर्स का हूँ और अपना नाम भी बताया उसने, अपनी मम्मी पापा का नाम भी बता रहा है बच्चा और बिल्कुल नॉर्मल जैसे बच्चे बात करते हैं। हाँ, लोगों को देख के थोड़ा सहम सा गया था लेकिन वैसे बिल्कुल नॉर्मल था बच्चा। अंदर का माहौल कैसा? घर के अंदर का माहौल बहुत पैथेटिक था, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर एक दिन भी फर्स्ट डे भी अगर कोई बिस्किट का पैकेट भी आया है तो उसका भी वो पैकेट का रैपर वगैरह वो सब अंदर ही पड़ा हुआ था, मतलब 3 ईयर से, और पूरा कचरा घर के अंदर, वो एक दिन भी सफाई नहीं की गई वहाँ पर। बाल वगैरह किसका, बच्चे के बड़े? बाल बच्चे के कटे हुए थे और बड़े टेढ़े मेढ़े ढंग से कटे हुए थे, तो बालों के बारे में जब पूछा तो उसने बताया मेरी मॉम बाल काटती थी। तो वहीं घर के अंदर ही सब कुछ है? घर के अंदर वो बाल काटने के बाद भी वो साइड में बाल सब पड़े हुए थे। क्या बेड करते थे बच्चे के पिता, क्या करते हैं? इतना मैंने नहीं पूछा है अभी बच्चे के पिता क्या करते हैं, लेकिन हाँ एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और वही उनका सारा खर्चा पानी करते हैं।